हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू यू लखनऊ लुकर्स। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हॉकिंग्स ने अपना ट्राइप्लाई स्टील कुकर लॉन्च कर दिया है दो साइजेस में, एक है 3.5 लीटर और एक है 2.5 लीटर। ये दोनों ही कुकर काफ़ी बेमिसाल हैं और बहुत ज़्यादा धूम मचा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सिर्फ रीज़न यही है क्योंकि इनर लिड में ट्राइप्लाई स्टील कुकर नहीं आ रहा था, बट हॉकिंग्स ने काफ़ी अच्छे साइजेस निकाल के इंडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर दी है। उसी के साथ साथ मैं बता दूँ, ये प्रेशर कुकर्स काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एफिलिएट लिंक दे रखा है, जहां से आप ये प्रेशर कुकर काफी अच्छे फेस्टिव सीजन ऑफर में परचेज कर सकते हैं। इन कुकर की खासियत यह है कि ये ट्राइप्लाई स्टील के बने हुए हैं, 100% हेल्दी हाइजीनिक है और इसमें खाना जलता नहीं है। और इसकी जो साइजेस दिए हुए हैं वो काफी एर्गोनॉमिक साइज दिए हुए हैं, 2.5 लीटर एंड 3.5 लीटर। बट आज की वीडियो इसके पर्पस में नहीं है, आज की वीडियो है कि ये दोनों कुकर हॉकिंग्स ने नए तरीके से लॉन्च कर दिए हैं, बट हॉकिंग्स के कुछ अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूं हॉकिंग्स का स्टेनलेस स्टील टू डिश सेट के बारे में। इसमें आप दाल चावल एक साथ बना सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं और 20 मिनट के अंदर दोनों ही मील प्रिपेयर कर लेना चाहते हैं अपने घर में। तो ये वाला अटैचमेंट जनरली 3 लीटर टॉल कुकर्स में तो बहुत ईजिली आ जाता है, बट क्या ये अटैचमेंट इन कुकर्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है, चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले अटैचमेंट की मैं खासियत आपको बता दूं, ये अटैचमेंट ऐसा अटैचमेंट है कि अगर आप आज भी एल्युमिनियम का कुकर यूज कर रहे हैं तो ये अटैचमेंट आपको पूरी सुविधा दे देता है कि आप अपना खाना स्टेनलेस स्टील सरफेस में बना सकते हैं। तो इसको मैं हमेशा से सस्ती जुगाड़ इसलिए भी कहता हूं क्योंकि अगर आपको स्टेनलेस स्टील में कुकिंग करना है तो ये काफी अच्छी सस्ती 500-600 रुपए की जुगाड़ है, जिसमें आप दाल चावल एक साथ बना सकते हैं। और अगर बाहर एल्युमिनियम का भी कुकर इसमें है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस अटैचमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 3 लीटर कैपेसिटी में बहुत आसानी से आ जाता है। इसमें दो कंपार्टमेंट्स दिए रहते हैं, ऑब्वियसली बात है एक कंपार्टमेंट छोटा होता है जो कि आप दाल के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हॉकिंग्स का मार्का भी लगा हुआ है, और ये अटैचमेंट बड़ा होता है जहां पे आप चावल आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में नॉचेस दिए रहते हैं जिसकी वजह से इसमें एयर वैक्यूम ना बने और जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से कुकिंग प्रोसेस हो सके। अगर इसके अटैचमेंट की बात करते हैं तो इससे पहले काफी सारे अटैचमेंट बहुत हल्के फुल्के आते थे और ज्यादातर अटैचमेंट ही गड़बड़ करते थे, बट इसका जो ग्रिपिंग दी है काफी अच्छी दी है, हॉकिंग्स का मार्का बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या ये अटैचमेंट हमारे इन प्रेशर कुकर्स में सूटेबल है भी कि नहीं है। तो चलिए इसको पहले ढंग से हम लगा देते हैं, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है और अब चलिए देखते हैं कि क्या इसमें ये सूटेबल है कि नहीं है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे ये 3.5 लीटर के प्रेशर कुकर के बारे में जो कि हॉकिंग्स का ट्राइप्लाई स्टील में आता है। ये प्रेशर कुकर बाकी प्रेशर कुकर से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यहाँ पे कंप्लीट 3 लेयरिंग दी हुई है जिसको हम ट्राइप्लाई कहते हैं। अगर आप ट्राइप्लाई के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर कुकर्स पूरी तरीके से 3 लेयर में बने हुए होते हैं जिसकी वजह से इसमें खाना जलता नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले अटैचमेंट हम रख देते हैं, हालांकि ये अटैचमेंट तो पूरी तरीके से इसके अंदर आ गया है, तो क्या इसमें ढक्कन बंद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं इस अटैचमेंट की वजह से इसका ये ढक्कन फंस ना जाए। तो चलिए मुझे लगता है कि ये इसके अंदर नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि अगर हम चाहें तो, चलिए मैंने कर तो दिया है। तो ये है कि आप 3.5 लीटर में ये अटैचमेंट तो यूज कर सकते हैं जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है। तो 3.5 लीटर में अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बंद करते हैं तो ये अटैचमेंट आप यूज कर सकते हैं, हालांकि मुझे बड़ा डर लग रहा था। अब इसको ओपन करने का तरीका भी मैं जरा देख लूं, हाँ बहुत आसानी से ये ओपन भी हो जा रहा है, हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा इसका जो ये वाला पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर है, बट हमने इसको कोशिश किया तो ये हमने बंद कर लिया है। तो इसके लिए तो मैं पूरी तरीके से कहूँगा कि डेफिनेटली आप इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ढक्कन ओपन एंड क्लोज कैसे करना है, वो इस वीडियो में बहुत ध्यान से देख लीजिएगा जिस तरीके से मैंने ओपन एंड क्लोज किया है। हालांकि मैंने इससे पहले ये ट्राई नहीं किया था, ये फुल फ्लेज पहली बार हम अपने वीडियो में कुछ इसी तरीके से ये कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रेशर कुकर के बारे में, तो क्या इसमें आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें भी आ सकता है, पर चलिए सबसे पहले इसमें भी देख लेते हैं कि क्या हमें बहुत आसानी से ओपन एंड क्लोजिंग इसकी समझ में आएगी। हाँ डेफिनेटली हम इसको बंद कर सकते हैं। तो जनरली इस टाइप के जो अटैचमेंट्स होते हैं वो इन प्रेशर कुकर्स में नहीं आते हैं, बट पहली बार मैंने देखा कि 2.5 लीटर में भी ये अटैचमेंट आ जाता है। तो जहाँ तक है कि आप शायद इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि ये
बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसका ये अटैचमेंट निकाल भी लेते हैं तो और भी ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, बट ये विद अटैचमेंट भी आ रहा है। तो ये पहली बार मैंने आपको दिखा दिया है कि ये अटैचमेंट बहुत आसानी से हॉकिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं इसके नए प्रेशर कुकर्स में। और डेफिनेटली इस अटैचमेंट को खरीदने के लिए इस वीडियो के नीचे मैंने अपना एफिलिएट लिंक दे रखा है जहां से ओरिजिनल प्रोडक्ट आप ले सकते हैं इस फेस्टिव सीजन में। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी, अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है तो डेफिनेटली करिएगा। और अगर आप आज भी आपने लखनऊ लोकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं जिसमें कुछ इस तरीके की चीजें जो कि आपके जहन में रहती है और आप खरीद नहीं पाते हैं, तो ये भी आप डेफिनेटली इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।